बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा बेहद गर्म है कि पूर्वी राजस्थान के एसटी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कमान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के हाथों में रहेगी। टिकट वितरण में भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। मीणा और गुर्जर बाहुल्य इलाकों में फिर से जाति वर्ग के मतदाताओं का ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि पूर्वी राजस्थान ही वो इलाका है जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा का गढ़ ये माना जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर्दी के मौसम में राजस्थान में चुनाव होते हैं, लेकिन सियासी गर्मी इतनी तेज होती है कि सर्दी की ठंडक पर चुनावी गर्माहट भारी पड़ती है। फिर बात पूर्वी राजस्थान की हो तो क्या कहना। वैसे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बीजेपी से वनवास टूटते ही राजस्थान की राजनीति गर्मा गई थी। अब चुनावी मौसम में उनकी सक्रियता सातवें आसमान पर है। कहा यही जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान की करीब 55 सीटों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सीधा प्रभाव है। यही कारण है कि आलाकमान की सोच है कि टिकट वितरण में भी उनकी भूमिका रहे, जिससे मीणा वोटों को अपने मनमाफिक गोलबंद कर सके। इन्हीं 55 सीटों पर बीते विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी राजपा ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब बीजेपी में आने के बाद यहां डॉक्टर किरोड़ी का वोटर किधर शिफ्ट होगा। अब आपको दिखाते हैं मीणा और गुर्जर बहुल सीटों का गणित। पहले बात उन सीटों की जहां डॉक्टर किरोड़ी का प्रभाव बीजेपी के काम आ सकता है। डॉक्टर किरोड़ी के प्रभाव वाली विधानसभा सीटें करीब 78 सीटों पर माना जा रहा है प्रभाव। सामान्य वर्ग की 38 सीटें, एसटी वर्ग की 25 सीटों पर प्रभाव, एससी वर्ग की 15 सीटें, पूर्वी राजस्थान की सीटें बसेड़ी, वैर, करौली, सपोटरा, हिंडौन सिटी, टोड़ा भीम, कठुमर, अलवर ग्रामीण, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गाजी, बांदीकुई, महवा, सिकराय, दौसा, लालसोट, बामनवास, गंगापुर सिटी, खंडार, सवाई माधोपुर, देवली उनियारा, निवाई, टोंक, बस्ती, चाकसू, आमेर, बगरू, जमुआ रामगढ़, विराटनगर, कोटपुतली, हाड़ौती खैराड़ की सीटें मनोहर थाना, अकलेरा, खानपुर, छबड़ा, बारा, अंता, किशनगंज, सांगोद, रामगंज मंडी, लाडपुरा, पीपलदा, बूंदी, केशव राय पाटन, हिंडौली, नैनवा, जहाजपुर, मंडलगढ़, केकड़ी, मारवाड़ शेखावटी की सीटें आहोर, सुमेरपुर, बाली, सिरोही, चौमू, नीम का थाना, उदयपुर, दुदू, मेवाड़ की सीटें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बेगू, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, मावली, कुम्भलगढ़, बल्लभ नगर, गोगुंदा, झाड़ौल, उदयपुर ग्रामीण, सलुम्बर। पूर्वी राजस्थान से जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी उसके मुताबिक वहां का मीणा वोटर का झुकाव कांग्रेस की ओर दिख रहा था। लिहाजा मीणा वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने तुरुप के इक्के के तौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को फिर से बीजेपी में वापसी कराई। अब पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के फेस के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा जाने जा रहे हैं और उनका मुकाबला सीधे सचिन पायलट परिवार से। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के तौर पर सचिन पायलट यहां कांग्रेस के सबसे मजबूत छत्रप हैं। मीणा पॉलिटिकल मुख्यालय कहे जाने वाले दौसा से सचिन पायलट उनके पिता और माता दोनों सांसद रह चुके हैं। पायलट परिवार के लिए ये पूर्वी राजस्थान सदैव राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाका रहा है और यहाँ के गुर्जर समुदाय पर उनका विशेष प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान में जितना प्रभाव मीणा समुदाय का है उतना ही प्रभाव गुर्जर समाज का भी माना जाता रहा है। ये दोनों जातियाँ यहाँ के सियासी समीकरण को प्रभावित करती रही है। गुर्जर मतदाताओं वाले प्रभाव क्षेत्र टोडा भीम, बामनवास, जमुआ रामगढ़, बयाना, निवाई, खंडार, सिकराय, हिंडौन सिटी, दुदू, रामगंज मंडी, वैर, कोटपुतली, खेतड़ी, नसीराबाद, आसींद, करौली नगर, हिंडौली, बांसूर, विराटनगर, बेगूं, टोंक, उनियारा, बांदीकुई, बाड़ी, मांडल, मालपुरा, थानागाजी, जहाजपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने करीब 4.5% मत लेकर बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को काफी सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। पिछले विधानसभा चुनाव में राजपा का असर, राजपा ने 134 विधानसभा सीटों पर लड़ा था चुनाव। 4 सीटों पर राजपा रही थी विजयी, 12 सीटों पर राजपा रही थी दूसरे स्थान पर, करीब 50 सीटों पर कांग्रेस को पहुंचाया था नुकसान, 25 सीटों पर राजपा रही थी तीसरे स्थान पर, 28 सीटों पर 20,000 से 65,000 मत मिले थे राजपा प्रत्याशियों। राजपा प्रत्याशी 47 सीटों पर लाए थे 5,000 से 18,000 मत। अब भाजपा आलाकमान अपने लिए सबसे कमजोर कड़ी कही जाने वाली पूर्वी राजस्थान में
डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भरोसा जता रहा। माना जा रहा है कि टिकट चयन से लेकर चुनाव प्रचार गणित भी उनसे पूछ कर तय होगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा भी यहां प्रस्तावित है और दौरे की सफलता की कुंजी में डॉक्टर साहब की सहभागिता जरूरी है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की।